आज हम सब लोग पढ़ेंगे पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग का परिचय, पिस्टन रिंग क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे डिजाइन होती है, मटेरियल क्या होता है, ठीक ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। उसके पहले हम सब लोग जानेंगे कि पिस्टन रिंग का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे पिस्टन रिंग मतलब उपयोग में आना शुरू हुआ, आवश्यकता कैसे पड़ी। सबसे पहला जो पिस्टन रिंग का उपयोग किया था सिलेंडर में, वो एक स्ट्रीम इंजन में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्ट्रीम इंजन में किया गया था। वो ग्लास्को के मिल ऑनर ने किया था, नेल स्नेट स्नो डॉग्स ने किया था, ठीक। फिर इसके बाद जो मॉडर्न डिजाइन था मेटेलिक स्प्रिट पिस्टन रिंग का, वो किसने किया था? उसका आविष्कार किया था जॉन राम्स बॉटन ने किया था। किसने किया था? जॉन राम्स बॉटन ने 1850 में किया था। उसके पहले सबसे पहले किसने किया था? नेल स्नोड क्रॉस ने किया था 1825। ठीक। अब पिस्टन रिंग होती क्या है? पिस्टन रिंग एक मेटेलिक स्प्रिट रिंग है, ठीक, जो कि पिस्टन के आउटर डायमीटर से कनेक्ट रहती है। कहाँ रहती है? आउटर डायमीटर से कनेक्ट रहती है। यह इंटरनल कंबस्टन इंजन या स्ट्रीम इंजन में उपयोग की जाती है, ठीक। इसका जो पेटेंट किया गया था, पेटेंट 1855 में किया गया था, ठीक, पेटेंट कराया गया था। इसके कार्य क्या होते हैं? ये फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को रिड्यूस करता है, ठीक, और लीकेज स्ट्रीम के लीकेज को कम करता है और पावर और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक। इसका मटेरियल क्या होता है? यह कास्ट आयरन की क्रोम प्लेटेड की हुई होती है। कास्ट आयरन की बनी होती है तथा उसमें क्रोम प्लेटेड होती है, ठीक। बात करेंगे इसके डिजाइन की कि इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से होती है। दिखा यहाँ पे आपको दो प्रकार की रिंगे दिखाई जाएंगी, ठीक। दो प्रकार की रिंगे होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सामान्यतः दो प्रकार की होती है रिंगे। एक होती है कंप्रेशन रिंग, दूसरी होती है ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक। कंप्रेशन रिंग का डिजाइन देखेंगे कुछ इस तरह से होता है, ठीक। देखेंगे यहाँ पे दोनों में अंतर करके रिलेट करेंगे तो यहाँ देखेंगे ऑयल रिंग में कुछ कुछ होल बने हुए हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ कुछ होल बने हुए हैं। ये ऑयल रिंग, ये कंप्रेशन रिंग से इसको अलग करता है। ऑयल रिंगों में होल क्यों बने होते हैं? ऑयल को स्क्रैप करके पिस्टन के अंदरूनी भागों को पहुंचाने के लिए। और कंप्रेशन रिंग का काम क्या क्या रहता है? गैसों को सील करना, गैसों को सील करने का काम, ठीक है ना, सील करने का। और इसका काम क्या रहता है? ऑयल को स्क्रैप करने का कार्य रहता है, ठीक। ये यहाँ पे पिस्टन दिखाया गया है। अगर आकार के आधार पर प्रकार की बात करें तो आकार के आधार पर ये पांच प्रकार की होती है। पहला है रेक्टेंगुलर रिंग, जिसका आकार कुछ ऐसा होता है। ये पिस्टन की बॉल, वो सॉरी सिलेंडर की, ये सिलेंडर की बॉल है, ठीक है, और ये पिस्टन है। और यहाँ पर ये देखो दो ठो रिंगे लगाई गई है, तो इस प्रकार की डिजाइन जो होगी वो रेक्टेंगुलर रिंग की होगी। दूसरा प्रकार की बात करें तो टेपर फेस्ट रिंग। टेपर फेस्ट रिंग की डिजाइन देखेंगे यहाँ से, ये पिस्टन है और ये क्या है? सिलेंडर है हमारा, ठीक। इसकी जो डिजाइन देखेंगे वो कुछ ऐसी शेप में बनी हुई है, ठीक ना, टेपर है थोड़ा सा, ठीक ना। यहाँ देखेंगे डिजाइन इसकी थोड़ी सी टेपर है। अगले डिजाइन की बात करेंगे बैरल फेस्ट की। बैरल फेस्ट का डिजाइन देखेंगे, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर की दीवारें हैं, ठीक ना, और ये रिंग लगी हुई है। जो बैरल फेस्ट की डिजाइन होती है वो थोड़ा सा ऐसी होती है, थोड़ा सा ऐसी होती है, मतलब ओवल होती है, अंडाकार, अर्ध अंडाकार टाइप में होती है, ठीक। अगर इनसाइड बेवल रिंग की बात करेंगे तो इनसाइड बेवल रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑयल को स्क्रैप करने की क्षमता रखती है। ये इनसाइड बेवल रिंग होती है, ठीक। अगली बात करेंगे की स्टोन रिंग की। की स्टोन रिंग का आकार कुछ ऐसा होता है, ये सिलेंडर की वॉल है, ये पिस्टन है, और पिस्टन में ये वाली, ये देखेंगे यहाँ पे रिंग फंसी हुई है, ठीक। तो ये डिजाइन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर डिजाइन की बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं। पिस्टन रिंग के ज्वाइंट कैसे रखे जाते हैं? पिस्टन रिंग के ज्वाइंट तीन प्रकार से रखे जाते हैं। पहला होता है स्टेप ज्वाइंट, इसमें देखेंगे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। दूसरा होता है एंगल ज्वाइंट, मतलब एक एंगल में देखेंगे यहाँ पे ये फिट हो जाती है।
और तीसरा ज्वाइंट होता है स्ट्रेट ज्वाइंट, मतलब एकदम स्ट्रेट रहती है, ठीक। और इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सील्ड कंबस्टन चैम्बर, मतलब कंबस्टन चैम्बर को सील करने का कार्य करते हैं और ऑयल को स्क्रैप करने का कार्य करते हैं, ठीक। दूसरा कार्य क्या होता, दूसरा कार्य क्या होता है, ये कि हीट ट्रांसफर को इम्प्रूव करता है, मतलब जो गर्मी, जैसे गर्मी हो आती है जब फायरिंग होती है तो गर्मी होती है ना, तो उस गर्मी को सिलेंडर की वाल में ट्रांसफर करता है, इम्प्रूविंग हीट ट्रांसफर टू द पिस्टन टू द सिलेंडर वाल, ठीक। तीसरा कार्य क्या होता है, तीसरा कार्य होता है कि ऑयल की क्वांटिटी को किसके बीच में, पिस्टन और सिलेंडर वाल के बीच में, पिस्टन और सिलेंडर वाल के बीच में ऑयल की क्वांटिटी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। चौथा कार्य क्या होता है, रेगुलेटिंग इंजन ऑयल कंजप्शन बाय स्क्रैपिंग ऑयल फ्रॉम सिलेंडर वाल बैक टू द सम, मतलब कि ये इंजन ऑयल के खपत को रेगुलेट करता है, ठीक ना। अगर ये स्क्रैप नहीं करेंगे, मतलब पिस्टन की दीवारों, सिलेंडर की दीवारों से ऑयल को स्क्रैप नहीं करेंगे तो ऑयल कहाँ जाएगा, कंबस्टन चैम्बर में जाएगा, तो ज़्यादा ऑयल जलेगा तो ऑयल की खपत होगी और हमारे उसमें कार्बन भी लग जाएगा तो हमको हमारा इंजन भी खराब हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को ये भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार ये हमारा पिस्टन रिंग थी, तो आशा करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।